खुशी का एयरबस के अंदर से किसी ने फोन चोरी कर लिया, तो उसमें आ भी गया एक तरीके से कि किस आदमी को शायद हो सकता है इसने उठाया होगा। नहीं नहीं मैम, हम इस तरीके से नहीं अनाउंसमेंट करवा सकते। मैंने राजा ने नहीं कर ली, राजा तैशा ले दिला है। दीदी नमस्ते। अब जब सारे लोग परिवार बैठे हैं खुशी और राजा की अनुपस्थिति में कर देते हैं गाँव। सो गाइस जल्दी से हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं हमारे सिल्वर बटन। इसमें गाइस आती है फॉर्म। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। और मुझे पता है आप लोग थोड़ा नाराज होंगे बिकॉज कुछ दिन से व्लॉग बहुत छोटे आ रहे हैं और अच्छे से प्रॉपर व्लॉग भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम से आए थे। कुछ चीज़ें होती हैं आप लोगों को पता है पर्सनल, जो चीज़ें हम लोग ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते, तो उस चीज़ के सिलसिले में हम लोग मोहाली मतलब चंडीगढ़ में थे और ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया थोड़ी, मतलब होपफुली आज रात को या कल सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। उसके बाद सीधा मुझे बॉम्बे निकलना है। हमारी गाड़ी सर्विस के लिए जा रखी थी, वो भी सर्विस हो गई, हम लोगों को मिल जाएगी। अगर वो शाम को रात को मतलब आज शाम को मिल गई तो अभी निकल जाएंगे, अदरवाइज़ कल सुबह मॉर्निंग। और घर में इतना मज़ा आता है ना यार यहाँ पर, क्योंकि खड़े होकर वाइब ऐसी आती है कि ओवरऑल व्यू ऐसा कुछ मिलता है भाई, मज़ा आ जाता है मुझे तो। यहाँ खड़े हो गए तो ऐसा लगता है कि भाई बस यहीं रहो परमानेंट, मज़ा आ जाता। लेकिन काम के लिए जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा। सो गाइस फिलहाल हमारी इंडेवर हम लोगों को मिल चुकी है और हम लोगों ने ले लिया है इसको और हम लोग निकलेंगे अब जल्दी से यहाँ। लेकिन हमारी हंसी छूट रही है किसी बात को लेके, बात क्या है वो आप लोगों को बता देंगे। अभिषेक उतरा, अभिषेक को मैंने कहा कि यार मुझे रोल खाने हैं और हमने ये दुकान देखी जिसमें बड़ा बड़ा लिखा है रोल एक्सप्रेस, काठी रोल, बिरयानी सब कुछ मिलता है। तो रोल एक्सप्रेस देख के मैंने कहा ले भाई मिल गई दुकान, नो पार्किंग में गाड़ी लगाई 5 मिनट के लिए, नो पार्किंग में लगाई जल्दी खा लेंगे। तो भाई तुम्हें हंसी की बात बताते हैं, जाती कह रहा भाई कहता रोल तो है ही नहीं हमारे पास और इतनी हंसी छुट्टी, इतनी बड़ी ब्रांडिंग रोल एक्सप्रेस के नाम की और रोल ही कौन है ये लोग, इधर रोल तो है ही नहीं हमारा, बिरयानी खा लो। मैं कहा क्या क्या बात है, बिरयानी नाम रख इसका, सब बिरयानी, बिरयानी में किलो रख लो, बिरयानी में टिलो रख लो। हे एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत होती है तड़क भड़क धड़क के साथ। और लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बताने वाला हूँ कि कल व्लॉग इसलिए नहीं आया बिकॉज इतना स्ट्रेसफुल डे था हम लोगों के लिए। वो क्यों था मैं आप लोगों को बताता हूँ। खुशी जा रही थी लाइक बॉम्बे, दिल्ली से उसकी फ्लाइट थी। हमसे गलती बस एक हो गई लाइफ में कि हम लोगों ने फुद्दू मतलब एयरलाइन से फ्लाइट करा ली फर्स्ट टाइम एवर स्पाइस जेट से। और मेरे दिमाग में, खुशी के दिमाग में सेम बात घूम रही थी, लेकिन हमें इवनिंग की फ्लाइट चाहिए थी जो कि दिल्ली से वही फ्लाइट हम लोगों को उस टाइम मिल रही थी। मॉर्निंग में विस्तारा की फ्लाइट थी काफ़ी सारी, लेकिन ये था कि मॉर्निंग में रुड़की टू दिल्ली जाने में बहुत दिक्कत होगी, तो शाम की यही फ्लाइट है सही करा लेते हैं जल्दी से। और भाई बिलीव नहीं करोगे आप लोग, खुशी का एयरबस के अंदर से किसी ने फ़ोन चोरी कर लिया। उसके बाद जैसे किसी ने फ़ोन चोरी किया, खुशी दूसरे फ़ोन से वीडियो शूट कर रही थी फॉर फेसबुक और व्लॉग वगैरह बना रही थी, तो उसमें आ भी गया एक तरीके से कि किस आदमी को शायद हो सकता है इसने उठाया होगा, क्योंकि वो उस टाइम पे 2 फोन यूज़ कर रहा था। उसके बाद जब खुशी को फ्लाइट में जाके पता लगा, खुशी ने फुटेज चेक करी, खुशी ने बोला कि ये आदमी है, मुझे पक्का पता है इसी आदमी ने हमारा फ़ोन उठाया, मतलब मेरा फ़ोन उठाया है और बच्चा मेरे साथ में, इसलिए मैं एकदम से नहीं एक्शन ले पाई, तो प्लीज़ आप इस बंदे को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। तो स्पाइस जेट वाले बंदों ने हाथ उठा लिए। बिलीव मी भाई, अगर मैं होता इतने जूते मारता तुम्हें उतार के सारों को नीचे, बिकॉज तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि एक लड़की, उसके साथ उसका बच्चा है 3 साल का, वो परेशान हो रही है और आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो कि नहीं नहीं मैम हम इस तरीके से नहीं अनाउंसमेंट करवा सकते। मैंने भाई मैं माँ कसम बता रहा हूँ, उतार के जूते मारता तुम्हारे जो स्पाइस जेट वाले जितने बंदे हैं ना, इनके जूते जूते मारता। मैं क्या तुम्हारी जो हरकतें हैं ना भाई, ये तुम्हारी हरकतें कनपटे छितवाने वाली हरकतें हैं तुम्हारी, बस तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें उस टाइम मैं था नहीं वहाँ पर, वरना तुम्हारा इलाज मान देता। लेकिन अब मुझे यही है कि हम लोगों ने एक्शन ले रखा है उनके अगेंस्ट, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ फोन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला फोन, उसके बाद ही अपडेट कर पाऊंगा भाई। तो गाइज कल जब से फोन गया ना, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है अभी। हाँ जी, किसको? मुझे। क्यों? मम्मा मुझे तो ये मास्क पहना दो बड़े बच्चों वाला, मैं चोर बन के सबको डराऊंगा। शिकायत यहाँ राजा ने नहीं कर ली, राजा तैसा ले दिला है। ये सोनी सी बोती तिश्ती है, ये पाली सी बोती किश्ती है। सो गाइस बहुत लंबे टाइम बाद मैं बैक टू वर्क हुई हूँ, रेडी हो गई हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, सेल्फी वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि कोई है नहीं शूट करने के लिए। रहा राजा अपनी मस्ती करा, यहाँ मेरी अपनी मस्ती चल रही है। सो गाइस फिलहाल हम लोग शॉपिंग करके निकले हैं और रियो भी हमारे साथ आया था। और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि फर्स्ट क्राई का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है कि हम लोग रियो के साथ ले गए, वरना हर जगह मेरी लड़ाइयाँ होती थी पहले, मतलब जब हम लोगों ने रियो को लिया लाइफ में, हमारी फैमिली में एड ऑन हुआ
तो तब से हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। कोई भी रेस्टोरेंट कोई भी जगह ऐसी थी नहीं मम्मी जहाँ इसको लेके जाने देते थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सामने से बोल रहे कि नहीं नहीं आप लेके आ सकते हो लेके आ सकते हो, वरना ही परेशान हो जाते घर भी रह के और गाड़ी में भी रह के। मस्त लगा मुझे स्टाफ यार, लव इट। माँ ने कर ली शॉपिंग, हम मम्मी को किसी छोटे बेबी के बर्थडे में जाना है तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा सामान ले लिया। सही बात है, परेशानी रहती है लेकिन आप बहुत ज्यादा, मतलब हर टाइम जब भी मैं आगे निकलता था अरे भाई बस फर्स्ट क्राई पे काम था थोड़ी देर का, अगर तू ले चलता तो घर के नीचे ये बिल्कुल ना। फिर डांट दे मुझे जब भी कहूंगी मैं, चलो कुछ ले आते हैं तो बस बस बैठी रहा है। और मम्मी कल फोन चोरी हो गया था, कितना टेंशन भरा माहौल हो गया था घर में। कलम रेडी बैठे थे पर फिर मन ही नहीं करा, फिर मन ही नहीं किया यार, पर पूरा का पूरा सिनेरियो खराब हो गया था। मैंने वीके फैम से डिस्कस की सारी सिचुएशन कि भाई इतना गंदा स्टाफ भी ना हो कहीं का। आज के ब्लॉग में दोनों तरह का स्टाफ आपने देख लिया। वो लड़की कह रही खुशी को सामने से, कहती ऐसे नहीं हम अनाउंसमेंट करवा सकते ना हम किसी को बोल सकते। खुशी कहती है आप लोगों की प्रीमिसेस के अंदर आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम लोग आए हैं और किसी ने मेरा फोन गिरा नहीं, चुराया है मेरा फोन, मैं पूरी श्योर हूँ कि मेरे पर्स से किसी ने निकाला है। तो लेकिन उसके बाद भी नहीं नहीं मैम हम ऐसे नहीं अनाउंसमेंट करवा सकते कि अगर किसी के पास, ये भी नहीं अनाउंसमेंट करवाएगी किसी के पास अगर गलती से आ गया हो तो बता दो। अरे वो स्टाफ के पास है, स्टाफ इतना वो है भाई, इतना मनहूस, इतना घटिया तुच्छ जीरो स्टाफ और इतनी घटिया एयरलाइन मैंने अपनी जिंदगी में देखी भाई। कभी भी आप यूट्यूब पे सर्च मार लो भी स्पाइस जेट की ही हर वीडियो पे ड्रामे हैं, इनकी फ्लाइट कभी टाइम पे नहीं होती। बस मेरी बेवकूफी थी कि मैंने इतना घटिया डिसीजन लिया कि मैंने ये एयरलाइन से फ्लाइट करा दी। और भाई सच में बता रहा हूँ इतना घटिया स्टाफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा भाई। बच्चा साथ में ले रही है एक लड़की और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको कोऑपरेट करना चाहिए, आप इस तरीके की हरकत करो बिना फोन के कैसे। उसने पता नहीं को पैसेंजर से और जो साथ में थे उनसे फोन वोन लेके, बेचारी एक दो लड़की बहुत अच्छी मिल गई थी पैसेंजर, उन्होंने कोऑपरेट किया तब जाके कहीं कॉन्टेक्ट कर पाए मुझसे। दीदी नमस्ते, फाइनली बैक टू होम और कल फिर जा रहे हैं जॉन। दिवाली मना ली, बहुत लंबी दिवाली मन गई, अब क्या चाह रही हो आप? गाड़ी देख देते। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। और फिलहाल हम लोग रुड़की आ चुके हैं, मतलब रात हम लोग रुड़की आ चुके थे और जल्दी से अब हम लोग करते हैं सामान पैक। कुछ खुशी और राजा पहुंच चुके थे बॉम्बे और बीच में इतनी भसड़े हो गई थी तो मुझे ऐसा और था कि जल्दी जल्दी पहुंचना है, लेकिन गाड़ी लेनी बहुत जरूरी थी तो गाड़ी होके हमें मिल चुकी थी कल। अब मैं जल्दी से घर पे आ चुका हूँ और करने लगा हूँ सामान पैक, मतलब खुशी का सामान तो ऑलरेडी वो पैक करके गई थी। खुशी का सामान पैक है, मुझे अपने कपड़े निकाल के सब पैक करने हैं जल्दी से। और PS5 राजा का, राजा वहाँ चला गया, PS5 यहाँ रह गया। सब जल्दी से गेम में पैक करते हैं और सीधा उसको लेके चलते हैं। मेरी तरफ से राजा को दे दिए जाकर, जाके पक्का जैसे सऊदी जा रहा हूँ मैं सऊदी। नहीं वो कुछ देखते खुश होते, अरे ये तो लुड़ती था ही यार। मम्मी जल्दी सिल्वर बटन निकालो सारे जल्दी। अच्छा। अब जब सारे लोग परिवार बैठे हैं यार, खुशी और राजा की अनुपस्थिति में कर देते हैं गाँव में। खुशी पावर तो और प्रसाद, मम्मी प्रसाद वो तो पसंद है, ये ऐसी ऐसी चीजें तो ले जाते हैं हम लोग खा लेंगे और भाई और आएंगे ऐश्वर्या और उन्हें खिला देंगे। कहा वो निकाल दो प्लीज, रास्ता साफ करने पे लग रही हो, रास्ता साफ करने पे घुमा रहे हैं, डोडे उठा दूंगा डड्डे, यो तो मैं पीऊंगा बाबा जी। ठीक है चलो ये दोनों दे दो भाई के। एक चीज और बताओ राजा के लिए, मैं इतनी गजब की चीज दूंगी बस तू वह जरूर दे दियो, तो और चैन के साथ सामान रहने दे मुझे, ले चल मुझे रख के गाड़ी में, एक टिकट भी नहीं लगने का भाई, खाने का सामान है ना मम्मी, खाने का सामान दे दो वो निकाल दो मम्मी, लेट हो रहे हैं हम। सिल्वर जो ढूंढ बता, टिकट भी नहीं लगने का और मैं कपड़े मिलने जाने की तेरे पैर उधर से बस से भेज दूंगा। अरे मोटी नहीं है, मैक्सिको सोच रहे मैक्सिको पोटी। सो गाइस जल्दी से हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं हमारे सिल्वर बटन। और एक बात मैं बता दूं आपको, ये बहुत दिन से आके रखे हुए थे गाइस और नहीं टाइम लगा, साल से आके रखे हुए थे, तो अब मैं सोचा था कि आप जल्दी से इनको अनबॉक्स करें यार, सोचे एक कर ले मम्मी सिर्फ एक ना सर एक। तो गाइस ये है V4 विवेक का जिसके ऊपर कंटेंट नहीं डालते हम, एक मिनट डालिए और आप लोगों के गणेश प्यार की वजह से सिल्वर बटन आ गया। ये है V4 विवेक, अभी याद रखना V4 कुछ नहीं बोलोगे आप, वह ठीक है तो V4 स्कूल में डलवा दो V4 विवेक आपसे। इसमें गाइस आती है एक फॉर्म उसके साथ, हाँ रणबीर भाई वाले बात, इसके आती है एक फॉर्म उसके साथ आता है एक विजिटिंग कार्ड और इसके साथ आता है यूट्यूब की तरह से पढ़ लूं
बहुत गहरी बात लिखी हुई है। ओ वीके म्यूजिक टाइम वीके म्यूजिक। सो गाइस जल्दी हमारा एक नया गाना आने वाला है, इसके अनबॉक्सिंग के आवाज में बताया तो आपको पापा पैसे नहीं दे रहे बस गाने बनाने के लिए। बटन चलो गैस करो गाइस ये किसका होगा, ये होगा राजा चौधरी का। गाइस इसके साथ एक फॉर्म आती है, आता है ये सेफ्टी के लिए आती है और इसे मैं पढ़ लेता हूँ कैसे। कितनी गहरी बात लिख रही है खुशी चौधरी। खुशी चौधरी ना एक मेरे नाम का भिजवा देने। ये गाइस गैस करो जिसने सही गैस करा वो हारेगा। ये राधा चौधरी अनीता चौधरी का ये तुमने बनवाया ये गाइस ठेका दे रखा था इकट्ठे बनवा लिए सारे। इसके साथ लाइक फॉर्म एक विजिटिंग कार्ड उसपे नंबर नहीं लिखा बस और एक ये और ये है ये है हमारे घर के दबन एंड ओनली राजा चौधरी का राजा चौधरी। आज फाइनली सारे सिल्वर बटन अनबॉक्स हो चुके हैं, अब ये मत कहना कि भाई सिल्वर बटन अनबॉक्स कर लो और काफी मजा आया। हमारे गाइस मिलेंगे जल्दी ब्रेक के बाद, गाड़ी अपनी रेडी है। नहीं रहेगी जो नॉक मुंबई गाड़ी से जाती है यार, पता नहीं मम्मी ऐसा तो बहुत हो जाए बहुत बार निकलने के बाद। माँ पापा दीदी रहेगी बस दो तीन लोग रहेंगे। थैंक यू आदि जो जो जा रहे रियो हाय मेरी बच्ची बाय बेटू बाय बाय मेरा बच्चा बाय गुड बॉय मेरा बाबू गुड बॉय। सो गाइस फिलहाल हम लोग हैं दिल्ली में और दिल्ली में आए बंदा और ऐसा ना हो सो देख लो आप लोग जाम में फंसे खड़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिम की वजह से। मतलब हम लोगों को शहर के अंदर आना पड़ा और शहर के अंदर आने का मतलब क्या है बस भाई जाम 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 मतलब खड़े हुए जाम लगा हुआ है और बस वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी आए और निकले कैसे भी करके यहाँ से। हे भगवान बस थोड़ी सी हिम्मत दे उसके बाद एनी फोर पे चढ़ेंगे ना जब मजा आ जाएगा उसके बाद थोड़ी देर की टेंशन है खत्म हो जाएगा काम। तो गाइस सुबह सुबह में ऐसी चीज मिल गई मजा आ गया देख के या हा 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 गाड़ी साइड में लगाई नींद आ रही थी भयंकर लेकिन डिटॉक्स जूस मिल गया सुबह ही सुबह देख के ही दिल तृप्त हो गया भाई। बना दिए बाबू दो गिलास पापा बना के पिलाते हैं सुबह सुबह। आज का तो कोटा पूरा हो गया कल से मुंबई जाके पीऊंगा मतलब सुबह सुबह आज आज भी कल से पीना शुरू करेंगे आज का तो पी लेंगे।